बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रम। तो इसमें याद रखें कि गैमा की जो फ्रीक्वेंसी है 10^19 हर्ट्ज से लेके 10^23 हर्ट्ज तक होती है। इसके बाद एक्सरे की होती है 10^20 से लेके 10^16 हर्ट्ज तक, बहुत आती है एमसीक्यूज पे। अल्ट्रावायलेट की फ्रीक्वेंसी 10^14 से लेके 10^17 विजिबल की 10^14 से 10^14 तक शुरू होके खत्म होती है। रेड की है 4×10^14 और वायलेट 8×10^14। हमें पता है विक्योर रीजन कहलाता है जो विजिबल रीजन होता है, और रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कम होगी। वायलेट की चूँकि वेवलेंथ कम होती है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। इंफ्रारेड की जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है 10^12 से लेकर 10^14 तक, माइक्रो की रेंज है 10^9 से लेकर 10^12 तक, और रेडियो की रेंज है 10^4 से लेकर 10^9 तक। तो मेरे भाई बहुत अच्छी तरह मैंने बता दी है बात, वैल्यूज ये याद रखने वाली हैं, ठीक है। इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन पेपर में बहुत आती हैं, इसलिए नस के पेपर में सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो थैंक्स अ लॉट।